सर इसमें अवैध एम्बुलेंस को लेकर काफ़ी जो है शासन स्तर से भी कार्रवाई के लिए निर्देश हैं, और दूसरा जो स्वास्थ्य विभाग है वह भी लगातार इसको लेके प्रयत्नशील नजर आ रहा है। RTO कानपुर को भी पत्र लिखा गया, SSCMO की तरफ से बताया गया है। क्या है जी पूरा मामला और परिवहन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है? देखिए, इसके पूर्व में हमारे यहाँ जो है 17 नवंबर को जो है CMO साहब को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें ये उनसे अनुरोध किया गया है कि आपके यहाँ जो भी इसके लिए ऑथराइज डॉक्टर हैं उनको जो है उनकी उनका नाम और उनका मोबाइल नंबर और उस टीम में जो जो हैं उनको हमको सूचित करें, जिनके साथ हम लोग जो है उसका चेकिंग कर सकें। और क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज होते हैं, इसलिए अगर एम्बुलेंस में मरीज बैठा है तो उस समय उसकी चेकिंग करके उसको बंद करना ये जो है कहीं से भी जो है नैतिक नहीं होगा। इसलिए इस पर हमको हम लोगों को रणनीति बना करके एक कार्रवाई करनी है कि जैसे जिसमें जिस एम्बुलेंस में मरीज न बैठा हो या कहीं किसी ऐसे प्लेस पर अनाधिकृत एम्बुलेंस खड़ी है तो जिसको जो है साथ में टीम जो है उसका जो है एक जांच करके अगर वो अवैध पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में पत्र जो है CMO साहब को लिखा गया है, जैसे ही वहाँ से जो है एक टीम का जो है जो उसके सदस्य हैं वो सूचना प्राप्त होती है, इस पर हमारे प्रवर्तन अधिकारी जो है सघन और जो है निष्पक्ष और सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।